मैं आपको दिखाता हूँ, एक बकर आएगा वो इसको पकड़ाएगा और ये भगेगा फिर, और जो दूसरा बंदा है वो यहाँ बैठेगा। पहुँचने वाले हैं, बाकी दो भाई हमारे स्कॉर्पियो ले आए, ट्रक भी साथ ही आ गया क्योंकि पहले जाम में अटका हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आ गए हम दोबारा बहुत दिनों बाद, लेकिन आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, वो भी आज एक तारीख को। वैसे तो दो तारीख हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, दो तारीख है आज और आज के दिन जल है। पर खुशी की बात यह है कि हमारे जो दोस्त थे कुछ, वो कांवड़ लेने गए थे और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं वैष्णो देवी गया हुआ था और अभी आया हूँ मैं कल, और मेरे पैरों का दर्द भी अभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन खुशी की बात या दुख की बात यह है, बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो मेरे दोस्त थे वो बड़े जोश जोश में गए थे भाई कांवड़ लेने, पहली बार था उन सबका कांवड़ लेना। तो बंदों ने भगना चालू किया, अभी 120 किलोमीटर पीछे है वो दिल्ली से, लेकिन वो थक चुके हैं बहुत बुरा। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम जाएंगे थोड़ा बैकअप के लिए, देखते हैं बैकअप लग सके या नहीं लग सका। बाकी अभी आते समय स्कूटी का ये हाल हो गया, हल्का सा गिरते का चटक गई पूरी स्कूटी, हैवी ट्रक यही पड़ी है सारे। तो अभी बाकी देखते हैं, अभी मेरे पैरों के छाले भी ठीक नहीं हुए, ना खाप में दर्द ठीक हुआ है, पर मैं जा रहा हूँ, देख सकता हूँ, मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा कि मैं लेकर आऊँ कांवड़ को दिल्ली तक, पर उम्मीद है नहीं। और बहुत कॉमेडियन चीज़ हो गई, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सामने हमारे कांवड़ों का वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हो रखा है कांवड़ का, बढ़िया है ये भी, पूरी दिल्ली में ऐसे ही चल रहा है अभी कांवड़ का मैनेजमेंट। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा आगे जाके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बाकी बहुत अजीब सा फील हो रहा है मेरे को, हंसी भी आ रही है थोड़ा दुख भी हो रहा है कांवड़ का। तो वेट कर रहा हूँ मैं, मेरा दोस्त आ रहा है गगन, और अभी हम तीन बंदे आना वादा पे खड़े हुए हैं गगन का वेट करते हुए, बाकी देखते हैं कितनी देर में आ रहा है वो। चलो भाई देखते हैं उसके बाद, पता नहीं है कौन सा हाईवे, लेकिन पता नहीं आ गए बहुत दूर, देखो हाईवे पे हर जगह कांवड़ का बात चल रही है सारे, पूरे हाईवे पे ऐसे चल रहा है, पता नहीं कौन सा हाईवे है। हाँ ले ले सीधा ले ले, देख रहे हो भाई यहाँ पे ऐसे चलता है हरिद्वार वाले मौसम में, बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं आता, सब जो मर्जी करो जो मर्जी, इतनी छूट है यहाँ पे जो मर्जी करो। निकला था, तीन बज चुके हैं, अभी भी हमें दोस्त नहीं मिले, कहाँ है वो पता नहीं, पर अभी भी 8 किलोमीटर है कम से कम, जा रहे हैं उनके पास, कोशिश करूँगा सपोर्ट करने की, मैं मोटा बहुत हूँ, उम्मीद नहीं है मेरे को। पहुँचने वाले हैं अपने दोस्तों पे, मेरे 2.5 बजे मेरे 2.5 किलोमीटर आगे हो गए, लेकिन कहाँ बढ़िया ही कहाँ बढ़िया यहाँ पर किंचू के 5 बज रहे हैं।
मैंने भी ये पकड़ लिया है। हम चल रहे हैं नाना करते करते 4 बजे से। मैं तो थक गया, पसीने आ गए, पर बाकी के सारे बंदे अभी डेड पड़े हुए हैं। तो हम पैदल पैदल खींच के लेके जाएंगे इसको जितना हो सके। उसके बाद जब तक हमारे बंदे ना मिले, जब तक वो रिकवर ना हो जाए, तब तक ऐसे ही जाएंगे हम। चलो चलते हैं। सुबह के 6 बज गए, सॉरी सुबह के 7 बज गए। ये बंदा है जो कल शाम से कावड़ खींच रहा है, इसने बहुत जान लगा दी है, पूरा थक गया पूरी तरह। अभी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए। ये अपने बंदे जा रहे हैं पीछे तेजी में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बकर आएगा वो इसको पकड़ाएगा और ये भगेगा फिर, और जो दूसरा बंदा है वो यहाँ बैठेगा मेरी सीट पे। जो कावड़ थी वो खुल गई थी थोड़ी, तो टाइम लग गया उनको बांधने में। वो पैदल पैदल क्योंकि रुक नहीं सकते ना, तो चलते चलते ही बांधनी पड़ेगी सारी। मैं ज़्यादा चला नहीं ना ज़्यादा भगा हूँ, पर अभी मैं भगूँगा और अभी थोड़ा और टाइम बचा हुआ है। ये देखो ये आकाश आ रहा कावड़ बांधता हुआ, कावड़ खुल गई है क्योंकि, और ये रुक नहीं सकते पैर इनके, तो ये चलते चलते ही बांध देंगे इनको, चलते चलते ही मां के निकल जाएंगे। आकाश थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है हर चीज़ में, तो इसी को देते हैं सारे काम। ये देखो ये कावड़ बांध दी इसने, बॉडी दिखा रहा लेकिन कुछ भी कहो। से तो बहुत आप नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे गले में, और इसके अलावा जो दोनों पैर हैं मेरे वो जाम हो रखे हैं, क्योंकि वैष्णो देवी से आते ही मेरे को यहाँ जाना पड़ा कावड़ के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं चला नहीं, लेकिन जितना मैं चला मेरे लिए बहुत था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चला था मैं, और भगना भी पड़ा था बीच में। मैं वो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि उस चीज़ के लिए किसी पर टाइम था नहीं, क्योंकि कोई रुक नहीं सकता था उधर कावड़ लेते टाइम।
मतलब कावड़ से आते टाइम कोई रुक नहीं सकता था, इसलिए टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पैर की पहले कितनी बुरी हालत थी। अभी मेरे से आवाज़ तो निकल नहीं थी मेरी, तब भी एक बार मैं आपको अपने पैर का थोड़ा सा सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर इसमें आ रहा हूँ तो दिखाता हूँ मैं। ये देखो, एक छाला पड़ा हुआ है मेरे पैर में, ऐसे चार छाले पड़े हुए थे मेरे पैर में, दो छाले एक पैर के में थे और दो छाले दूसरे पैर में थे। टोटल चार छाले पड़े हुए थे और काफ दर्द हो रही थी, थाई दर्द हो रही थी, क्योंकि वैष्णो देवी में जो मेन मैटर था वो था बैग लेके चढ़ना। अगर बिना बैग के चढ़ता तो बहुत आसानी से पहुंच जाता ऊपर, लेकिन बैग थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैग के साथ। और गलती ये की मैंने जूते पहने थे, जूते पहनने की वजह से छाले पड़े, अगर मैं चप्पल में चढ़ता तो शायद आसान हो जाता। तो अभी हम जल चढ़ा कर आए हैं जस्ट, और आ रही है मेरे को बहुत नींद, बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही है, मैं सोऊंगा जाके। और इसके अलावा मैं क्या बताऊँ आपको कैसा गया मेरा पूरा सफ़र, इतनी बुरी हालत हो गई थी ना। आपने वीडियो में मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाया, क्योंकि सही में किसी पे टाइम था ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं था किसी पे, किसी को कुछ दिखाने का। कोई अपनी वीडियो नहीं बना पाया, सबकी टांगें जाम हो गई थी। कोई नहीं, घर आ गया हूँ मैं अब, तो जल्दी से जल्दी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई है, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके जी, बाय।